नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका दिव्यांग न्यूज चैनल के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी वीर नर्मद यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री शिवेंद्र गुप्ता साहब यहां पर उपस्थित हैं। आज उनके साथ में एक बढ़िया सा हम लोग बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी ये यात्रा कि डॉक्टर से शिवेंद्र गुप्ता बचपन से लेकर कुलपति बने, तो वो जो यात्रा है पहले हम उनसे समझेंगे। तो स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा जन्म आगरा में हुआ और वैसे मेरे जो पूर्वज थे वो मवाना के रहने वाले हैं। मेरठ के पास एक 27 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा था, है रादर मवाना, उसके मेरे पूर्वज रहने वाले थे। लेकिन मेरा जन्म आगरा में हुआ, शिक्षा दीक्षा मेरी आगरा में हुई। आगरा में एक प्रेस्टीजियस इंटरमीडिएट कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज आगरा, उसके अंदर मैंने इंटरमीडिएट पास किया। और उसके बाद मेरा जो एडमिशन है वो SV रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सरदार वल्लभ भाई रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सूरत में हुआ, जिसको आज SVNIT बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डीम यूनिवर्सिटी। तो मैं यहाँ आया, उस समय 5 साल का कोर्स था, मैंने सिविल इंजीनियरिंग पास की और मैं 73 में सूरत आया था। उसके बाद मैंने PWD रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और वहाँ 20 साल से भी ज़्यादा मैंने अपनी सेवाएँ दी। उसके बाद मैंने VRS लिया। मैं विदेश में भी काफ़ी समय रहा, कैनेडा में, अमेरिका में, और पर भारत से मेरा नाता ऐसा है कि मैं बार बार आता रहा और अब लगभग स्थायी रूप से आ गया हूँ। और भारत की सेवा करने में ही मुझे आनंद आता है। जब भी मेरा जन्म हो, इसी धरती पे हो, क्या बात, यही धरती पुण्य भूमि है, यही देव भूमि है और इसी देव भूमि की आराधना करता हूँ मैं, और इसी की सेवा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है और होता रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रतिस्पर्धा के इस युग में शिक्षा के अंदर क्या परिवर्तन होना चाहिए, आप थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने, मुझे आनंद है कि आपने ये बात की। शिक्षा में जो अंग्रेज लोग शिक्षा छोड़ गए, हम लगभग उसी के ऊपर चल रहे हैं। 80% हम उसी शिक्षा पद्धति को अपना रहे हैं, जिससे कई बार क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख तो जाते हैं लेकिन उनमें स्किल्स नहीं आती, संस्कार नहीं आते, संस्कृति नहीं आती, और वो अपनी आगे की ज़िंदगी में फेल होते हैं। मेरे विचार से जो पुरानी संस्कृति थी हमारी, भारत की जो संस्कृति थी, हजारों साल से जो संस्कृति थी, उसका समावेश किसी भी शिक्षा पद्धति में अगर किया जाए तो भारत को एक और भी ज़्यादा महान देश बना सकता है। आज हमारी 60% से ज़्यादा आबादी 35 साल या उससे कम है और ये विश्व के सबसे यंग देशों में से एक है, युवा देशों में से एक है। तो हमारी युवा पीढ़ियों को दो बात की ज़रूरत है, संस्कार और संस्कृति। जो संस्कृति पुरातन काल से हमारे यहाँ चली आ रही है, उसका समावेश हम जब तक हम यूनिवर्सिटी सिस्टम में नहीं करेंगे, शिक्षा पद्धति में नहीं करेंगे, तब तक जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। आज जो परिवार टूट रहा है, जैसे कि एटम, जब एटम को ब्रेक करते हैं तो अनलिमिटेड एनर्जी, बहुत बड़ी तादाद में एनर्जी रिलीज होती है और उसको एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं, जो ब्लास्ट होता है उससे विनाश होता है। इसी तरह से समाज की जो इकाई है वो परिवार है, परिवार एटम के बराबर है। अगर एटम टूटता है, परिवार टूटता है, तो विनाशकारी एनर्जी उसमें से निकलती है और समाज का विनाश होता है। आज ये पश्चिमी सभ्यता के चलते ये जो विनाश हो रहा है, जो परिवार टूट रहे हैं, इसको केवल संस्कृति और संस्कार ही बचा सकते हैं। मेरा मानना है कि हमें अपने खुद की संस्कृति पर चलकर इस शिक्षा पद्धति का विकास करना होगा। और पढ़े लिखे होने के बावजूद कई बच्चे ऐसे हैं, इवन कई पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं कि जो ठीक से 2 पेज भी लिख नहीं पाते,
उसके लिए आपको ये शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। सर बहुत अच्छी तरह आपने दर्शकों को ये पूरी चीज समझाई। और एक सवाल करूंगा कि शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़कर अगर जोड़ना है तो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल के अंदर ऐसा क्या परिवर्तन या क्या उपाय कर सकते हैं कि जिससे शिक्षा और रोजगार के साथ में जुड़े। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहना बहुत आसान है कि शिक्षा शिक्षा के लिए होनी चाहिए, रोजगार से उसका उसका कोई मिलन ना हो, उसका कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन अल्टीमेटली जो ज़्यादातर लोग हैं वो इसीलिए शिक्षा लेते हैं कि उन्हें अच्छा रोजगार मिले, वो समाज के काम आए, अपने काम आए, परिवार के काम आए, देश के काम आए, विश्व के काम आए। तो ये ज़रूरी है कि हम शिक्षा पद्धति को संस्कारों से जोड़ें। अभी हमने 24-25 नवंबर को कृषि के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी अपने यूनिवर्सिटी में, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में हमने की थी कॉन्फ्रेंस। वो कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण थी। हमारे 80% किसान ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, मध्यम दर्जे के हैं, जहाँ ट्रैक्टर यूज ही नहीं हो सकता और हम ट्रैक्टर की बात करते रहते हैं। तो कई किसान वहाँ आए थे, 200 से भी ज़्यादा, जिन लोगों ने जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन जो रिसर्च करके नई नई चीज़ें ला रहे थे, जिनके साथ हमने ऐसे लोगों को रखा कि जो उनको समझ सके और उनकी बात को ट्रांसलेट करके पेपर पेश कर सकें। तो एक बैल की का हल भी उन्होंने बनाया जो उन छोटे छोटे खेतों में चल सके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बार बार कि हमारी शिक्षा पद्धति में ऐसे सुधार की ज़रूरत है कि जो स्किल्स पे भी ध्यान दें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से इसको समझाते हैं, वो कहते हैं कि किसी को पूछा मैंने कि भाई क्या क्या कर किया है आपने, तो बोला मैं एम ए पास हूँ। फिर पूछा दोबारा कि क्या किया, फिर एम ए पास हूँ। तीसरी बार पूछा तो मैं एम ए पास हूँ। भाई क्या कर सकते हो, ये टीवी ठीक कर सकते हो, या ये पढ़ा सकते हो, या ये आर्टिकल लिख सकते हो, या ये जर्नलिज्म कर सकते हो, तो स्किल क्या है आपकी? जो आपने किया है वो तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपकी स्किल क्या है? आप किस तरीके से समाज के काम आ सकते हो, किस तरीके से एक दिया हुआ टास्क कर सकते हो, ये बड़ी चीज़ है। तो वो जब तक नहीं आएगी हमारे यहाँ, जब तक हम शिक्षा में ऐसा सुधार नहीं करेंगे कि स्किल से डायरेक्ट हम जोड़ें, तब तक ये जो पढ़े लिखे लोग निकलते रहेंगे, ये पढ़े लिखे जरूर होंगे लेकिन किसी काम के नहीं होंगे। आज हमारे जो इंजीनियर्स हैं उसमें केवल 5%, मतलब हमारे यूनिवर्सिटी से तो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो इंजीनियर्स हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़े, मैं खुद इंजीनियर हूँ, 5% ही इंजीनियर एम्प्लॉयबल हैं। 95% को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनके पास डिग्री है, जानकारी है, लेकिन स्किल नहीं है। वो कहते हैं उर्दू में चार लाइनें किसी ने कही हैं कि ना पढ़ते तो 100 तरह खाते कमा कर, ना पढ़ते तो 100 तरह खाते कमा कर, यूँ खोए गए हम तालीम पाकर, यूँ खोए गए हम तालीम पाकर, ना जंगल में रेवड़ चराने के काबिल, ना बाजार में बोझा ढोने के काबिल। ना पढ़ते तो 100 तरह खाते कमा कर, यूँ खोए गए हम तालीम पाकर, ना जंगल में रेवड़ चराने के काबिल, ना बाजार में बोझा ढोने के काबिल। हम किसी काबिल नहीं रहे, पढ़ के और दुबले पतले हो गए, नहीं तो फिजिक, नहीं कुछ। तो हमको ये करना चाहिए, मैं तो 4 बातों पर जोर देता हूँ। पहला, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए बच्चों को, कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, अच्छे से खेलो, स्पोर्ट्स बिल्ड्स करेक्टर। मेरे इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद मेडल जीतने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई है मेरे आने के बाद, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान देता हूँ। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे टेबल टेनिस का शौक है, तो मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना बच्चे स्पोर्ट्स खेलेंगे उतना उनका करेक्टर बनेगा, चरित्र बनेगा, और चरित्र से व्यक्तित्व का निर्माण होगा। व्यक्तित्व जो है वो समाज को आगे ले जाने के काम आएगा, क्योंकि किसी का अगर व्यक्तित्व ही नहीं है तो वो क्या करेगा आगे? कैरेक्टर का मतलब सिर्फ इस बात से नहीं है, प्रेम प्रसंगों से नहीं है, कैरेक्टर मतलब द होल पर्सनैलिटी इज कैरेक्टर, होलिस्टिक डेवलपमेंट उसकी जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस बात पे जोर दे रहे हैं। हमने आने के बाद शिक्षा पद्धति में बहुत से सुधार किए हैं, हमने क्या कहते हैं ऑनलाइन एडमिशन्स की प्रक्रिया शुरू की है ताकि किसी तरह का भी पक्षपात भेदभाव ना हो। हमने जो जनजाति के बच्चे हैं हमारे,
जो आहवा डांग में रहते हैं उनके लिए स्पेशल सुविधाएं क्रिएट की हैं। हमने उन लोगों को, बच्चों को ये एहसास दिलाया है कि वो हमारे समाज का अहम हिस्सा हैं, बल्कि सिरमौर हैं वो हमारे लिए, एकदम सही। और वो जब तक उनका विकास नहीं होगा, हमारा विकास अधूरा है। हमने ये बात को, मैं खुद जहाँ पे पहले कभी कोई वाइस चांसलर नहीं गया, मैं ऐसे कॉलेजों में जाके आया हूँ जनजाति विस्तार में, और मैंने वहाँ बच्चों को एड्रेस किया है, मैंने उनको बताया है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि सरिता गायकवाड़ जी जो हमारे यूनिवर्सिटी की छात्रा रह चुकी हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, वो एक खुद जनजाति से ताल्लुक रखती हैं जी जी। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं, कॉम्प्लान बॉय कॉम्प्लान गर्ल कोई मेडल जीत नहीं पाए और वो क्या कहते हैं, बच्ची वहाँ पे रह के आदिवासी जनजाति विस्तार में रह के दौड़ के फिजिकली फिट होके गोल्ड मेडल ले आई। हमारे कई ऐसे जनजाति के बच्चे हैं जिनका मुझे ध्यान है और जो आगे आ रहे हैं इस तरीके से। नागली वहाँ पे एक रोटी मिलती है, नागली मिलती है, नागली खा के वो गोल्ड मेडल ले आई, और यहाँ पे शहर के बच्चे कॉम्प्लान बॉय कुछ नहीं कर पाए, गर्ल कॉम्प्लान बॉय कॉम्प्लान गर्ल कोई मेडल जीत नहीं पाते। तो इसमें एक सबक है, एकदम सही बोल मेरा ये कहना है कि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत महान है, इसमें मिलावट मत करिए मिलावट मत करिए। हम बहुत अच्छी तरह से हजारों साल जिए हैं, हम उसी संस्कृति पे चल के भारत फिर से सिरमौर बनेगा और बन रहा है एकदम। बहुत बहुत बढ़िया, आपने दर्शकों सर ने हमको पूरा विस्तार में बताया। तो सर ये जो स्किल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने भी काफ़ी जोर दिया स्किल, तो इसके लिए कोई ठोस कदम ओवरऑल कुछ उठाए हैं या आगे उठाने वाले हो? हाँ, हम देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम वर्कशॉप्स कर रहे हैं बच्चों के लिए, डिफरेंट वर्कशॉप्स। जैसे हम, मैंने अभी बताया आपको कृषि के ऊपर हमने वर्कशॉप की, जिसके अंदर बच्चों को बताया कि डिफरेंट तरीके से, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, उस बात का काफ़ी डिस्कशन हुआ। कई किसान ऐसे मिले मुझे जिन्होंने ये कहा कि सर हम पूरे साल बैल का इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो वो बैल को हम खिलाते तो पूरे साल हैं, तो उस बैल को हम आउटसोर्स कर सकते हैं किसी के लिए भी। और अगर उस बैल का इस्तेमाल, जैसे कि बग्गी उसके पीछे लगा दो या कोई बैठने का साधन लगा दो, एंटरटेनमेंट बच्चे बैठ के वो कर दें, तो उनको पैसा भी मिलेगा और क्या कहते हैं, सबका आनंद भी होगा और हमारी संस्कृति, किसानों के ऊपर ध्यान जाएगा लोगों का। तो मैंने ये कहा कि भाई हम, जैसे अगर कोई किसान हमें ऑफर करेगा तो हम वो ले लेंगे, क्या कहते हैं, बैलगाड़ी, एक बैल वाली। और यूनिवर्सिटी टाइम के पहले और यूनिवर्सिटी टाइम के बाद, जब लोग सुबह घूमने आते हैं, बच्चे घूमने आते हैं, शाम को घूमने आते हैं, वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए, मज़े के लिए उस बग्गी में बैठ के, बैल द्वारा चालित बग्गी में बैठ के यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाएं, घूमें मज़े से, और 10-20 रुपए जो भी किराया वो तय करे किसान, वो उसको दें, सबका भला होगा, सबको आनंद होगा, एक नॉवेल्टी होगी, और बाद में हम इसको बड़े पैमाने पे कर सकते हैं, सूरत में घुमा सकते हैं लोगों को, तो इससे तो ये चीज़ यूनिक हो जाएगी। तो हम वर्कशॉप्स कर रहे हैं, हम वर्कशॉप्स में स्किल डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं, हम ऐसी वर्कशॉप्स कर रहे हैं जिसके अंदर बच्चों को ठीक से प्रोफेशनल लिखना सिखाया जाता है, जिसके अंदर वो हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एफिशिएंटली। देखिए दो तीन बातें हैं, जब हम बोलते हैं तब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वो भी स्किल है, और जब हम चुप रहते हैं तब भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। व्हेन यू स्पीक यू कम्युनिकेट, व्हेन यू डू नॉट स्पीक यू ऑल्सो कम्युनिकेट। तो जब कब चुप रहना है और कब बोलना है, ये सिखाना भी एक बहुत बड़ी बात है। सही बात, हम ये भी सिखा रहे हैं। तो हम स्किल्स डेवलपमेंट के लिए वर्कशॉप्स कर रहे हैं, अभी भी हमारा एक वर्कशॉप चालू है ऑलरेडी हमारे यहाँ, क्या कहते हैं, इसमें कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में 3 दिन की वर्कशॉप चालू है, जिसके अंदर कि हम प्रिंसिपल्स को और क्लार्क्स को ये सिखा रहे हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाएं और किस तरीके से इसका एडवांटेज लें। तो वर्कशॉप्स के जरिए हम स्किल डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं और हम उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हैं। तो दर्शकों, बहुत अच्छे से सर ने हमको स्किल डेवलपमेंट के बारे में बड़े विस्तार में बताया। सर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक बहुत बड़ा अभियान है, हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसमें जोर दिया है, तो ये योजना एक कहाँ तक सफल हुआ है, आपकी क्या राय है सर? मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री की ये योजना इस देश में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर चुकी है और कर रही है।
देखिए हमारी संस्कृति में तो बेटियों का हमेशा से महत्व रहा है। आप एक बार देखिए कि हमारे जो पुराने राजा होते थे उसके अंदर राजा और रानी दोनों दरबार में बैठते थे। कभी आपने अकेला राजा बैठे देखा है? नहीं बैठा। बाद में इनके मुगलों के आने के बाद और इन सब लोगों के इन्वेडर्स के आने के बाद क्या कहते हैं वो अकेला बादशाह बैठता था, कोई रानी कोई वो नहीं, बेगम नहीं। लेकिन हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में हमेशा से बेटियों का, माओ का, बहनों का हमेशा महत्व रहा है। देखिए हमारे यहाँ हमेशा से बेटी को जो स्थान दिया गया है वो बेटे को भी नहीं दिया गया कभी भी। एकदम सही सर। ये जो मिलावट हुई है ये आक्रमणकारियों के आने से, लोगों को डराए जाने से, बेटियों का अपहरण ना हो बेटियों को, उस वजह से मिलावट हो गई। लेकिन वो समाज ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया और बहुत जल्दी, और प्रधानमंत्री को हमें धन्यवाद देना चाहिए इस बारे में कि उन्होंने ये इतनी बड़ी पहल की है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उसके रिजल्ट में मैं खुद देख रहा हूँ कि कितनी बेटियाँ पढ़ रही हैं और गुजरात बड़े पैमाने पे बेटियों की फीस खुद देता है। ये तो आपको पता ही होगा, बेटियों की फीस गुजरात सरकार देती है हमारे प्रांत में। और इससे क्या होगा कि जब अगर एक बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, एक बेटा पढ़ता है तो पूरा परिवार नहीं पढ़ता है। बेटी पढ़ती है तो बच्चा पढ़ता है, भाई पढ़ता है, उसके घर में संस्कार आ जाते हैं, उसके घर के अंदर माहौल अच्छा बन जाता है। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और मैं पूरी तरीके से इसके बारे में मैं पॉजिटिव हूँ। और हम सभी कुछ हमारे यहाँ खुद जनजाति विस्तार से जितने बच्चे पढ़ते हैं उसके अंदर जो मेजॉरिटी है वो बेटियाँ ही हैं। जो पढ़ने वाले बच्चों से मेजॉरिटी बेटियाँ ही हैं, यूनिवर्सिटी में भी मेजॉरिटी बेटियाँ ही हैं। लास्ट ईयर जो डिग्रियाँ मिली उसमें मेजॉरिटी बेटियों की ही है। जो हमने डिग्रियाँ प्रदान की जिसमें राष्ट्रपति खुद आए थे 29 मई को, तो जो डिग्रियाँ प्रदान की गई उसमें जो ज़्यादा नंबर है वो बेटियों का ही है। बहुत खूब सर। हर साल काफ़ी मात्रा में छात्र निकलते हैं उच्च शिक्षण के लिए, तो क्या ये यूनिवर्सिटी की संख्या पर्याप्त है कि इनको सबको एब्जॉर्ब कर सकें? एक अनुमान के हिसाब से भारत में क्या कहते हैं सेंट्रल स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या 900 के करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि संख्या से क्वालिटी को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से जो क्वालिटी है दैट इज़ इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट वी हैव और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज दैट वी हैव। ज़्यादा हो तो कोई नुकसान नहीं है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हो तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। करेक्ट। मैं तो ऐसा मानता हूँ, मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि जो इंस्टीट्यूशंस 100-100 साल से चल रहे हैं हमारे देश में, उन इंस्टीट्यूशंस को मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपनी ब्रांचेस बनाएं और क्लासरूम्स जोड़ें और बच्चों को वो एब्जॉर्ब करें, ताकि जो क्वालिटी वो 100 साल से दे रहे हैं वो चलती रहे। एकदम सही बात। उनको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नए वालों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, नए वाले जो जुड़ना चाहते हैं वो क्वालिटी के साथ जुड़ें, लेकिन ऐसा ना करें कि क्वालिटी का हनन हो और हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो पैसा देने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद, सारी चीज़ें करने के बावजूद उनको क्वालिटी एजुकेशन ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, अच्छा ही है। जो प्रोफेसर और बच्चों का जो रेशियो है जो फॉरेन में मेंटेन होता है, वो रेशियो अगर हम कायम रख सकें तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो इस गरीब देश में हमारे देश में संभव नहीं है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि क्वालिटी हमारे बच्चों की ख़राब नहीं है, मैं आपको बता दूं क्यों। आज आप फेसबुक देख लो, आज आप गूगल देख लो, आज आप कोई भी और दूसरी देख लो, उसके अंदर ज़्यादातर जो काम करने वाले लोग हैं वो भारतीय हैं और यहीं की यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए हैं। तो उनकी यूनिवर्सिटी वाले कहाँ गए? सारे हमारे हैं, सारे हीरे तो हमारे हैं, सारे हीरे हमारे हैं। तो ये आप बता रहे कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं, तो ये कहाँ से आए? ये तो यहीं से आए। तो गरीब माँ का वो इंग्लिश में कहावत है, ए रिच चाइल्ड ऑफन सिट्स इन ए पुअर मदर्स लैप, ए रिच चाइल्ड ऑफन सिट्स इन ए पुअर मदर्स लैप। एक गरीब माँ की गोद में अमीर बच्चा जन्म लेता है। एकदम सही बोला सर।
शिक्षा को आजकल के बच्चे थोड़ा बोझ समझते हैं, तो शिक्षा को और रसप्रद बनाना हो तो उसके लिए क्या हम आपका सुझाव? हाँ, यह बारे में मेरे बहुत विचार मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा हुआ आपने पूछा। तीन तरीके से प्रोफेसर को, टीचर को एजुकेशन इम्पार्ट करनी चाहिए। पहला काम यह है टू एंटरटेन और टू एंगेज। क्लास में जब टीचर आता है तो उसको एंगेज करना चाहिए या एंटरटेन करना चाहिए बच्चों को, ताकि वो उससे जुड़े। अमृतलाल नागर, एक बच्चों की स्टोरीज लिखने वाले, कहानी लिखने वाले, किताबें लिखने वाले बहुत बड़े राइटर हुए हैं अमृतलाल नागर, उनसे पूछा गया कि बच्चों के साहित्य की एक खासियत क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो साहित्य मनोरंजन न करे उसको कूड़े में फेंक देना चाहिए। साहित्य का पहला काम मनोरंजन करना है। हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा देना पहले शुरू कर देते हैं। तो पहला काम क्या होना चाहिए टीचर का, टू एंगेज और टू एंटरटेन। यस। सेकंड वर्क होना चाहिए टू इन्फॉर्म, एंड थर्ड होना चाहिए टू एजुकेट। हम एजुकेशन का काम पहले शुरू कर देते हैं और बच्चे भाग जाते हैं, वो नीरस विषय को सह नहीं पाते और भाग जाते हैं। तो पहला काम उनको जोड़ना चाहिए, हमको वेवलेंथ मैच करना चाहिए, मैच करना चाहिए। जब वेवलेंथ मैच हो जाए टीचर की तो बच्चा भागेगा नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चा जुड़ा ही रहेगा, वो सोचेगा कि इसका लेक्चर चलता ही रहे। वो हम तब कर पाएंगे कि जब हम अपने लेक्चर्स को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जीवन से जोड़ेंगे, बच्चों से जोड़ेंगे, और अलग अलग मेथडोलॉजी से हम कर अलग अलग मेथडोलॉजी अभी तो कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास देखिए इन्फॉर्मेशन इतनी फास्ट आ रही है इंटरनेट पे, सही है, इतनी फास्ट आ रही है कि जब हम पढ़ते थे हमको ये सुविधा नहीं थी, और अब सुविधा है तो पढ़ने वाले नहीं है। वो कहते हैं कि अच्छा साहित्य पढ़ा जाता नहीं, और जो बुरा साहित्य है वो पढ़ने वाले बहुत सारे हैं। तो अभी दिक्कत ये है कि जो इतनी किताबें महंगी हो गई हैं कि जो पढ़ सकते हैं वो खरीद नहीं सकते, और जो खरीद सकते हैं वो पढ़ना नहीं जानते। जो पढ़ सकते हैं वो खरीद नहीं सकते, इतनी बुक्स महंगी है। मेरे पास आज कई बुक्स की लिस्ट है जो मैं खरीदना चाहता हूँ और नहीं खरीद पाता। और जो लोग अमीर हैं उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, उनके पास पैसा है लेकिन वो खरीदते नहीं बुक्स। तो ये जब तक सामंजस्य नहीं होगा पढ़ाई में और बच्चों के इंटरेस्ट में, पहली बात ये है कि बच्चों को माँ बाप को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी पर्टिकुलर लाइन में जाने के लिए। करेक्ट करेक्ट। जो लाइन में वो जाना चाहे उनको जाने दीजिए, जिस लाइन में जाना चाहे उनको जाने दीजिए, दे विल एक्सेल। करेक्ट। वो बहुत बढ़िया काम करेंगे, वो जो पैशन है उसको, पैशन को फॉलो करिए, पैशन को फॉलो करिए। वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं बनने दीजिए, वो बॉक्सर बनना चाहते हैं बनने दीजिए, वो कुश्ती करना चाहते हैं करने दीजिए। करेक्ट। वो कबड्डी खेलना चाहते हैं खेलने दीजिए, जो करना चाहते हैं वो उसको करने दीजिए। दूसरी बात, हमने एक बात और की है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए। पहले हमारे यूनिवर्सिटी में क्या होता था कि जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स में, जैसे कि आज उनका कॉम्पिटिशन है, आज ही उनका एग्ज़ाम है, तो उनकी एटिकेटी आ जाती थी, मतलब फेल हो गए वो, क्योंकि वो तो कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं, पर क्या वो फेल हो गए, उनको मौका ही नहीं मिला एग्जाम देने का। तो अब हमने क्या किया है कि जिस दिन बच्चे का एग्जाम होगा और उसका कंपटीशन होगा, उसकी एटिकेटी नहीं होगी, उसको हम अल्टरनेट डे पे एग्जाम रखेंगे ताकि वो एग्जाम दे सके और उसको लगे कि मैंने यूनिवर्सिटी के लिए मेडल लाया हूँ, मेरे को इसके एवज में एटिकेटी मिल रही है, तो वो एग्जाम सेपरेटली दे सकेगा। ये हमने किया है आके, ये हमने आके किया है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। बहुत अच्छी तरीके से आपने हर चीज़ का मतलब मसला बताया सर। और एक प्रश्न पूछूंगा कि उच्चतर शिक्षण आपके दृष्टिकोण से कितना महत्व है? मैं आपको एक एडवांस कंट्री के डाटा देना चाहता हूँ, अमेरिका। अमेरिका में मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन जो हैं वो 12th पास हैं, वो कॉलेज एजुकेशन नहीं है मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन की, और उनको भी लोग पढ़ा लिखा ही बताते हैं, वो स्किल्स है उनके पास और वो डिफरेंट काम करते हैं हर तरीके से। तो उच्चतर शिक्षा होने से ही आदमी पढ़ा लिखा गिना जाता है, ये सिर्फ शायद हमारे देश में होता है या कुछ और देशों में होता होगा। मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ा लिखा आदमी वो है जो एक न्यूज़पेपर को पूरी तरीके से समझ सके। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक न्यूज़पेपर उठा लीजिए आप, उस पर फर्स्ट पेज पर पॉलिटिकल न्यूज़ होगी, लास्ट पेज पे स्पोर्ट्स न्यूज़ होगी, कहीं पे क्या कहते हैं बिलियर्ड्स की न्यूज़ होगी, कहीं पे ब्रिज की न्यूज़ होगी, कहीं पे फैशन की न्यूज़ होगी। हम अगर सभी न्यूज़ को समझ सकते हैं
और उसको पढ़ सकते हैं और उसको आत्मसात कर सकते हैं तो हम पढ़े लिखे हैं। अगर हम उसमें से कोई चीज़ नहीं समझ पाते, सपोज कि क्रिकेट के मैच के बारे में कोई न्यूज़ है और हमको पता ही नहीं है कि 11 खिलाड़ी खेलते हैं, बैट्समैन होता है, बॉलर होता है, ऑलराउंडर होता है, तो हमारी समझ से हम वो खेल के बारे में पढ़े लिखे नहीं हैं। तो पढ़ा लिखा उसको कहना चाहिए कि जो एक न्यूज़पेपर को शुरू से आखिरी तक पढ़ सके और उसमें लिखी हर घटना से रिलेट हो सके और समझ सके, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा इसको ही कहना चाहिए। उच्चतर शिक्षा उन्हीं को लेनी चाहिए जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, जो उस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, जो उस फील्ड में उनके पास आइडियाज़ हैं कि भाई हम आगे बढ़ के ऐसा करेंगे, या जो टीचिंग में आना चाहते हैं उनको करना चाहिए। उच्चतर शिक्षा मेरे हिसाब से सबके लिए नहीं बनी है, सबके लिए बनी नहीं है, लेकिन भाई लोग बिना उद्देश्य के भी उच्चतर शिक्षा में आते हैं तो हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। कोई एलिजिबल है तो आए, खुशी से आए, लेकिन मेरे ख्याल से उच्चतर शिक्षा जो है वो इस बात के लिए नहीं बनी है कि हर आदमी को दी जाए। सर, दिव्यांगों के लिए, दिव्यांग अगर उच्च स्तर में जाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रावधान और कर सकता है? अभी तो है, लेकिन और क्या प्रावधान कर सकते हैं? उनको आराम से कहीं भी यूनिवर्सिटी से ले कॉलेज में, सब जगह बैरियर फ्री एक एटमॉस्फेयर करके उनको बढ़ावा कैसे कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनको डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं, डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांगों को, और हमारे देश में बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है दिव्यांग, और मेरे ख्याल से डिफरेंटली एबल्ड से भी खूबसूरत नाम दिव्यांग है, जिसके भाव दिव्य हो, बिल्कुल बिल्कुल कर्म दिव्य हो, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, आत्मा दिव्य हो तो मैं एग्री करता हूँ। और वहाँ पे वो लोग बड़े सख्त हैं अपने नियमों में दिव्यांगों को हेल्प करने के बारे में। जैसे पार्किंग लॉट्स है, दिव्यांगों की पार्किंग लॉट है ही, अगर उस पर आपने कुछ अपनी कार पार्क कर दी तो उसका जो फाइन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, उसको माफ़ नहीं किया जाता। अगर कोई दिव्यांग रोड क्रॉस कर रहा है तो सारी कारें रुक जाती हैं और वो उसको रोड क्रॉस करने देते हैं, कराने देते हैं। स्पेशल डॉग्स हैं वहाँ, मैंने खुद देखा है ट्रेन में वहाँ पे कि किसी दिव्यांग के साथ कुत्ता है, तो जैसे ही ट्रेन रुकती है कुत्ता कूद के एक खूबसूरत जगह वो घेर लेता है, उस पर बैठ जाता है सीट पे, और जब वो दिव्यांग आता है वहाँ तो कुत्ता नीचे बैठ जाता है और उसको बैठाता है, कूद के सबसे पहले वो उसको ऑक्यूपाई कर लेता है चेयर को। तो हमारे यहाँ भी ये सुविधाएं नहीं हैं, और हमको तरस खाने का कोई हक नहीं है, तरस मत खाइए, वो एक गलत फीलिंग है, तरस खाने की जरूरत नहीं है। उनको मदद कीजिए आगे आने में, उनके लिए एटमॉस्फियर पैदा कीजिए, एनवायरनमेंट पैदा कीजिए दिव्यांगों के लिए। मैं आपको यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि एक दिव्यांग एक नॉर्मली एबिल्ड बच्चे से कहीं ज़्यादा टैलेंटेड होता है, एकदम सही, और ये मेरा खुद का अनुभव है कि वो काम उससे भी अच्छे से करते हैं कि जो हम लोग सोचते हैं कि जो हम पूरी तरीके से सक्षम हैं हम कर पाते हैं, उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से दिव्यांग काम करते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि स्पेशल सुविधाएँ तो जो गवर्नमेंट दे रही है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी देनी चाहिए, और हमारे स्तर पे भी अगर आप कोई बात पॉइंट आउट करेंगे या कभी कोई हमें पॉइंट आउट करता है कि भाई ये और होना चाहिए तो हम उसकी सुविधा करते हैं, और हमेशा हम ओपन हैं यूनिवर्सिटी में कि भाई कोई भी ऐसी बात हो जो इस तरह के बच्चों से लगती हो कि से संबंधित हो तो हम उसमें बहुत ही शीघ्र और बहुत ही निर्णायक डिसीजन लेंगे उनके फेवर में। थैंक यू वेरी मच सर, आपने सही बोला कि दिव्यांग जन को सिंपैथी की नहीं एम्पैथी की ज़रूरत है। और एक सवाल और कि आज की युवा पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा संदेश। वो कहते हैं जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुमला जाते हैं। इन फूलों को कुमलाने मत दीजिए, माला बनाते बनाते ही कुछ कर डालिए। मेरा मैसेज ये है कि खेलिए, कूदिए, पढ़िए, अपनी संस्कृति का सम्मान कीजिए, माँ बाप के चरणों में रहिए, इस समाज के बारे में सोचिए, अपने बारे में मत सोचिए ज़्यादा, क्योंकि जेंटलमैन उसको बोलते हैं हु थिंक्स ऑफ अदर्स रादर देन अबाउट हिमसेल्फ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज को ध्यान में रख के, नेचर को ध्यान में रख के, प्रकृति को ध्यान में रख के जब हम डिसीजन लेंगे
तो वो डिसीजंस बहुत फ्रूटफुल होंगे और सभी के काम आएंगे, उन युवाओं के भी काम आएंगे कि जो वो डिसीजन ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। दर्शकों, शिवेंद्र गुप्ता साहब खुद ही एक इंस्टीट्यूशन है और काफ़ी पैशनेट है और बहुत सारी चीज़ का उनको नॉलेज है, लेकिन एक स्पेशल चीज़ आज मैं उनसे पूछूंगा कि उनको लिखने का शौक़ है, शायरी का शौक़ है। तो दर्शकों को मैं साहब से विनती करूंगा कि कुछ ऐसी अच्छी मोटिवेटिंग शायरी आप थोड़ा करिए तो दर्शक भी इंस्पायर हो और मोटिवेट हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं बहुत शायरी बहुत लिखता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ता बहुत हूँ, क्योंकि इतना लिखा गया है, इतना लिखा गया है कि आप पढ़ नहीं सकते, और इतना अच्छी क्वालिटी का लिखा गया है, गालिब से लेके फैज़ तक, फिराक से लेके साहिल लुधियानवी तक, इतना लिखा गया है, तो मैं पढ़ता हूँ और मुझे याद भी रह जाता है। तो मैं एक गज़ल के चार शेर आपको पेश करूँगा, जो राजेश रेड्डी हैं, बॉम्बे में रहते हैं, पहले दूरदर्शन में थे, और वो शायर हैं, साउथ के हैं और उर्दू में लिखते हैं, और टॉप लेवल के शायर हैं, टॉप लेवल के। उन्होंने लिखी है गज़ल कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। ये दुनिया में हर आदमी कोई दुर्घटना ना हो जाए उससे डरता है, स्टेटस को बना के रखना चाहता है। जैसे आपके पास आज कार है तो कल बड़ी कार ना आए लेकिन इससे छोटी ना रह जाए, मकान है तो कम ना हो जाए, दुकान है तो वो रहे, पढ़े लिखे हैं तो जो नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी से कम ना हो जाए। तो कहते हैं यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, मिट्टी का खिलौना है फना होने से डरता है, नष्ट होने से, मिट्टी का खिलौना है फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देखकर दुनिया, बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है, बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। न बस में जिंदगी इसके, न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर फिर भी कहाँ इंसान खुदा होने से डरता है, मगर फिर भी कहाँ इंसान खुदा होने से डरता है। और आखिरी शेर है, हम सब इस कैद में हैं जिंदगी की, अजब ये कैद है, अजब ये कैद है दुनिया का हर इंसान, अजब ये कैद है दुनिया का हर इंसान, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, मिट्टी का खिलौना है फना होने से डरता है। क्या बात है, आज तो आपने चार चांद लगा दिए सर। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में कुलपति शिवेंद्र गुप्ता साहब, और धन्यवाद देने से पहले मैं इनको एक और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे संस्था की ओर से, कि ये आपकी मेहनत थी, आपका गाइडेंस था कि हम जो BCA कॉलेज चलाते हैं तो उनमें जो एडमिशन्स इस साल में आए हैं, वो जो आपने जो लिस्ट दी थी उसी बच्चों को हमने संपर्क किया और आज उसका लाभ उठा रहे हैं। तो सर धन्यवाद, हमें गाइड करते रहिएगा, आपके गाइडेंस की हमें ज़रूरत है। अंत में सर एक छोटा सा आपसे संदेश भी लेना चाहूँगा और आपको बताना भी चाहूँगा कि हम जो एक संस्था चला रहे हैं डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें दिव्यांग बच्चे सूरत के इर्द गिर्द से आके यहाँ पढ़ते हैं, अलग अलग सुविधाएँ हमारी, तो आप तो उसके पूरे वाकिफ हो, तो थोड़ा सा एक संदेश दीजिए लोगों को सर। हाँ, मुझे कहना है कि कनुभाई टेलर जो पद्मश्री हैं और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दिव्यांगों के लिए, स्कूल और कॉलेज चला के, BCA कॉलेज चला के, ये हमारे लिए गर्व का विषय है और ये पूरे भारत में अपनी तरह का अभिनव प्रयोग है और ये बहुत ही सक्सेसफुल है, और हमारी यूनिवर्सिटी को गर्व है इस बात पे कि हमारे साथ ऐसी संस्था जुड़ी है। और मैं कनु भाई को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि दिव्यांगों के लिए किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी सुविधा जो भी पॉसिबल होगी यूनिवर्सिटी से, वो देने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि ये स्कूल, ये कॉलेज उनका आगे से आगे बढ़े और ये दिव्यांग जो हैं वो नॉर्मल एबिल्ड बच्चों से भी ज़्यादा आगे आएं और हमारे देश के लिए इनाम जीतें, प्रसिद्धि लाएं और पराक्रम कायम करें। धन्यवाद। व्यक्ति विशेष कार्यक्रम का हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, दोबारा मिलेंगे और एक नए व्यक्ति से, विशेष व्यक्ति के प्रोग्राम में।